नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्रिया पदे सुखे धातुए संति कि इन क्रिया पदों में कौन सी धातुएं हैं। क्रिया पद में हमें क्या बताना है, धातु बतानी है। क्रिया पद में धातु बतानी है, धातु बताओ। ठीक है, तो हमें इनमें धातु में बताने के, मैंने बताया था धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आया है जैसे कुरुत है, एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, कुरुत है मतलब करो, तो इसमें कौन सी धातु है, क्री धातु। क्री का अर्थ होता है करना, क्री का मतलब क्या होता है करना, तो ये कौन सी धातु है इसमें, क्री धातु। सेकेंड है इसमें पाठ्यंती, पाठ्यंती में कौन सी धातु हो जाएगी, पठ्य धातु, पठ का मतलब पढ़ना, तो पाठ्यती रूप चलेगा इसका, पाठ्यती पाठ्यते पाठ्यंती, तो धातु कौन सी हो जाएगी, पाठ्य धातु, पठ का मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है गायती, अब गायती अभी आया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें कौन सी धातु है, गाय या गई, गाय का मतलब गाना, गई धातु, गायती गायते गायंती। नेक्स्ट है तरते, तरते का मतलब तैरना, अब इसमें कौन सी धातु हो जाएगी, तर धातु, तर का होता है तैरना। फिर है गच्छती, गच्छ का मतलब क्या होता है जाना, तो ये गच्छति शब्द है, धातु कौन सी है गच्छ, गच्छ धातु, जिसको हम क्या बोलते हैं गम भी बोल देते हैं, ठीक है, गम धातु या गच्छ धातु एक ही होती है, गम आ जाता है तो रूप ऐसे चलेगा गच्छति गच्छते गच्छन्ति, इसलिए गच्छ गम धातु गच्छ धातु। फिर है नेक्स्ट नृत्यति, नृत्यति का क्या अर्थ बताया था अभी, नृत्यति का मतलब नाचता है, तो धातु कौन सी हो जाएगी इसमें, नृत्य, नृत्य का अर्थ क्या होता है नाचना, ठीक है। फिर है उत्पत्ते, उत्पत्ते, अब इसमें ये दो शब्दों के मेल से बना, दो धातुओं के, किस किस से, उत् प्लस पत, उत् पत का अर्थ होता है गिरना, उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, तो उत्पत्ति, उड़ती हैं जो चिड़िया के लिए आया था ना अभी, उत्पत्ते उड़ रहे हैं। फिर है संति, अब संति में धातु कौन सी हो जाएगी, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो कैसे चलता है, अस्ति स्तय संति, अस्ति एक के लिए, स्तय दो के लिए और संति बहुवचन के लिए, तो संति यह बहुवचन शब्द है, अब इसमें धातु कौन सी हो जाएगी, अस धातु, ठीक है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था कि क्रिया पद में धातु बतानी है, ये सब क्रिया पद हैं कि जिससे किसी काम के करने का होना क्यों पता चल रहा है, और ये हो गई इनकी धातु, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, इसमें क्या दिया है, वचन परिवर्तनम कुरुत, वचन परिवर्तन करो, इसका वचन परिवर्तन करना है हमें, नंबर चेंज करना है, तो इसमें क्या है यथा, यथा का होता है जैसे, यथा अवश्यक होता है, यथा का क्या होता है जैसे, अब ये दिया है इसमें बालिका नमंती, तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस समझने होंगे कि एक वचन के हैं, द्विवचन के हैं या बहुवचन के हैं, ठीक है, तो हम इसको कैसे पहचान करेंगे, ये चेंज करवाया है कि इसको एक वचन में हमें बदलना है, तो मैंने पहले आपको एक धातु तय उसमें बताया था ती तय अंति, अब इसके साथ कोई भी आप धातु जोड़ते जाएंगे वो धातु रूप बनता जाएगा, जैसे पठ धातु, पठती पठते पठंती, तो ती आता है वो तो होता है एक वचन का,
तय आता है वो द्विवचन और अंति है वो बहुवचन। अब यहाँ देखिए बालिका नमन्ति, तो ये क्या है, अंति आ गया ना, नम धातु के साथ अंति, तो ये सेंटेंस किस तरह का है, बहुवचन है। अब हमें इसका एक वचन बनाना है, तो ये कैसे परिवर्तन करेंगे हम इसका, बालिका नमति, परिवर्तन हो जाएगा बालिका नमति, बालिका है वो नमस्कार करती है, आ गए समझ में। अब सेकंड देखिए सिंहौ गर्जतै, इसको हमें बहुवचन में बदलना है, और ये वाक्य किस तरह का है, अब इसमें क्या है अंत में तय, यहाँ क्या होता है मैंने तय, ये तय कहाँ है द्विवचन का है, तो सिंहौ गर्जतै, दो शेर गरजते हैं। अब बहुवचन बनाएंगे तो सिंह सिंहौ सिंघा, यहाँ क्या हो जाएगा सिंघा, गर्जती गर्जतै गर्जंती, अंति लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा गर्जंती, शेर गरजते हैं दहाड़ते हैं। फिर है अजा चरती, अजा का मतलब क्या बताया था, बकरी, बकरी चरती है, तो ये क्या है एक वचन का है चरती, अब इसे हमें द्विवचन में बनाना है, तो अजा अजे, अब ये स्त्रीलिंग है अजा, तो अजे क्या है चरती चरते, द्विवचन हो गया चरती चरते चरंती। चटकाह जलम पिवंती, ये किस तरह का वाक्य है, बहुवचन का है, अंति आ रहे हैं, तो चटका जो चिड़िया है वो जल पीती है, इसे एक वचन में करना है, तो क्या करेंगे चटका जलम पीती, चटका जलम पीवती, चिड़िया जल पीती है, पिव धातु पा धातु। फिर है बाल कहा वदंती, अब वदंती बहुवचन है, वद का मतलब बोलना, बालक है वो बोलते हैं, अब एक वचन में बदलना है, तो बाल कहे वदती, ठीक। फिर है लेखी के लिखते है, अब ये क्या है, इसको एक वचन में बदलना है, तो ये द्विवचन का रहता है, ये लेखिका स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, लेखिका लेखिके, तो लेखिके लिखते है, एक वचन में क्या करेंगे लेखिका लिखती। फिर है ये हमारा हो गया एक वचन का, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया वचन परिवर्तन करना। तो ये सभी आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में इनको लिख लेंगे, ठीक है, ये आपका अभ्यास है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।